हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपिका। आज मैं फैंसी मार्केट जा रही हूँ, जो गुवाहाटी का सबसे बड़ा मार्केट है। वहाँ से मुझे कुछ पर्सनल चीजें लेनी है। मैंने सिंपल न्यूड मेकअप किया है, फाउंडेशन नहीं, सिर्फ सीसी क्रीम, न्यूड लिपस्टिक, आईलाइनर अप्लाई किया है। मार्केट में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊंगी। फिर भी मैं ट्राई करूंगी थोड़ा कुछ आपको दिखा सकूं। मैं टू व्हीलर में जा रही हूं पार्क के साथ। पर हाँ, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए। शेक ब्रदर्स में अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ से बिस्किट लेने वाले हैं। मस्जिद गली में हम लोग हैं और हम लोग जा रहे हैं बैग हाउस। उस दुकान का नाम है बैग हाउस।
तो दो दिन पहले मैं गई थी फैंसी बाजार, ने देखा होगा, मैंने थोड़े क्लिप्स भी डाले हैं इस वीडियो में। मुझे उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला शूट करने के लिए, तो अभी मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है उस दिन फैंसी बाजार से। पहले मैं गई थी बैग हाउस जो मस्जिद गली में है, वहां से मैंने लिया है ये दो बैग्स। ब्लैक वाला ये मेरी मम्मी के लिए है और ये सिल्वर मेरे लिए। मम्मी को बहुत दिनों से ब्लैक बैग की जरूरत थी लेकिन उनको बाजार जाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मुझे ही कहा अगर मुझे कुछ अच्छा लगे तो मैं उनके लिए एक बैग लेके आऊं। तो ये रहा वो बैग। और ये मीडियम साइज का हैंडबैग है, इसमें बहुत ही स्टाइलिश हैंडबैग लगा मुझे। मैट ब्लैक है इसका कलर, ऐसे डिजाइन बने हुए हैं इसमें, इसके अंदर बहुत सामान आ जाएगा, इस तरह हाथ में भी ले सकती है। और इसमें लॉन्ग बेल्ट भी दिया गया है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत पसंद भी आया है ये। इसका प्राइस है 750। नेक्स्ट है ये सिल्वर स्लिंग बैग, लॉन्ग बेल्ट भी दिया गया है और इसे मैं यूं हाथ में भी ले सकती हूँ। ब्लैक बैग की तरह इसमें भी इस तरह का डिजाइन बना हुआ है। ज्यादा चीजें मैं इसमें नहीं ले सकती, बस थोड़ा ही जरूरत का सामान आएगा इसमें। मेरे वेस्टर्न आउटफिट के साथ ये बहुत ही अच्छा लगेगा, इंडियन ड्रेसेस के साथ भी इसे मैं ले सकती हूँ और इस तरह से भी ले सकती हूँ इसे। ये मुझे मिला है 460 में, मैंने इसे यूज भी कर लिया, कल मैं बाहर गई थी घूमने के लिए। बैग हाउस में आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा। बैग हाउस में आपको हैंडबैग्स, शूज, हील्स, फ्लैट्स, क्रॉकरीज के सामान और गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाते हैं। तो और एक चीज मैंने ली है बैग हाउस से, वो है ये फ्लैट स्लीपर्स, ये मरून कलर का, इसमें गोल्डन छोटे छोटे स्टोन से डिजाइन बने हुए हैं। मुझे शूज और सैंडल्स का बहुत शौक है, ये मुझे पसंद आए और ये मेरे बजट में भी आ गया, 350 में मुझे ये मिला, सो दैट्स इट। बैग हाउस में आपको कम रेंज से लेके हाई प्राइस के हैंडबैग्स, शूज मिल जाएंगे। अगर आप ज्यादा और डिफरेंट वैरायटीज में बैग्स और शूज देखना चाहते हैं, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा। बैग हाउस के साइड वाले स्टोर से मैंने ये कॉफी मग लिया है, ये ऑफ व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट एंड रेड कलर का कॉफी मग है। इसमें इस तरह का स्नोमैन बना हुआ है, मफलर और कैप पहने हुए। तो क्रिसमस स्पेशल भी मुझे लगा ये कॉफी मग, काफी बड़े साइज का है ये और इसका प्राइस है 190। क्यूट सा कॉफी मग है ये। मैंने मेरे लिए और एक ये छोटा सा बैग लिया है, ये रेड कलर का क्यूट सा स्लिंग बैग है, बहुत ही कम स्पेस है इसमें, सिर्फ मोबाइल और पैसे ही ले सकती हूँ। इसे मैं हाथ में भी ले सकती हूँ छोटा करके, या फिर मैं ऐसे लॉन्ग ले सकती हूँ। ऐसे बाजार में ही दूसरे एक शॉप से लिया है और ये मुझे मिला 250 में, बहुत ही छोटा बैग है ये। बैग्स हो गए, शूज हो गए, तो अभी नेक्स्ट मैं ये गौतम बुद्ध का स्टैचू लाई हूँ। फिलहाल अभी मैं गुवाहाटी में शूट कर रही हूँ लेकिन बैक ईटानगर में वीडियोस के बैकग्राउंड में थोड़े चेंजेस लाने के लिए मैंने ये गौतम बुद्ध का स्टैचू लिया है। काफी बड़ा है ये स्टैचू, ज्यादा हैवी नहीं है। इसके 3 साइजेस अवेलेबल थे, स्मॉल, ये शायद मीडियम है और लार्ज। इसका प्राइस 580 है। मुझे एक गौतम बुद्ध का जो हेड का पोर्शन है, फेस से लेके ये जो पोर्शन है, इसका बड़े साइज का मुझे एक मिला था एज अ गिफ्ट मेरे शादी में। शिफ्टिंग के वक्त वो टूट गया, तब से मैं सोच रही थी मैं गौतम बुद्ध को मेरे घर में लाऊं। इन्हें शायद मैं किसी स्टूल में रखूंगी या दो वीडियोस के बाद मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ ज्वेलरी लिया है, तो फर्स्ट है ये हेयर बैंड जो कि मैंने फुटपाथ से लिया है। फैंसी बाजार के फुटपाथ में बहुत सारे स्टॉल्स है और वहां से मैंने ये हेयर बैंड लिया है और इसका प्राइस है ओनली ₹50। मुझे काफी पसंद आया ये, तो इसलिए मैंने आज के वीडियो में ये पहना है। ऐसे पर्ल्स लगे हुए हैं इसमें। इसके बाद मैंने वहां से ज्वेलरी भी लिया है, तो पहला है ये झुमके है, ये ग्रीन कलर के ऑक्सीडाइज झुमके, ये मैंने वही से ही खरीदा है और इसका प्राइस है ₹100। बहुत ही लाइट वेट है ये। इस टाइप के झुमके मैंने शॉप्स में भी देखे हैं और वहां शायद ये 250 के या 200 के नीचे मुझे नहीं मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं
साइज में भी काफी बड़ा है। चेन ब्रेसेस के साथ मैं इसे ले सकती हूँ। लास्ट ये दो ऑक्सीडाइज्ड फिंगर रिंग, एक सिल्वर में है और दूसरा गोल्डन में, ये 50 रुपी ईच मैंने लिया है। बहुत ही प्यारे लगे मुझे ये फिंगर रिंग और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। हाँ, सिल्वर। ये जो गोल्डन है इसमें बटरफ्लाई बना हुआ है और बहुत सारे स्टोन्स भी है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, बस इतनी ही शॉपिंग मैंने की है फैंसी बाजार से। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस इस चैनल में शेयर करती रहूंगी। सो देखते रहिए मेरे चैनल को, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।